Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all you are good. Okay, so today we will start about the new lesson. So let's start. Lesson number 5, surprise birthday party. Surprise means, आपको पता होगा सरप्राइज मीन्स होता है जो हम गिफ्ट देते हैं एकदम से, उसको सरप्राइज देते हैं अचानक से, एकदम से सामने कोई चीज़ लाते हैं हम किसी के, तो वो एक सरप्राइज बन जाता है या फिर गिफ्ट होता है एकदम से। हम उस किसी के सामने अगर एकदम से गिफ्ट लाते हैं तो वो एक सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है इंसान, उसको बोलते हैं सरप्राइज। ओके, बर्थडे पार्टी तो आपको पता होगा। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज़ योर पेज ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आपका ये एक, ये इंग्लिश का एक बुक का पेज है। ओके, सो इफ़ यू हैव अ बुक, सो ओपन योर बुक। आप ओपन कीजिए आपकी बुक, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेसन नंबर 5, सरप्राइज बर्थडे पार्टी। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर, लिसन एंड रीड। ओके, यू हैव टू रीड विथ मी एंड लिसन केयरफुली। ओके, कि टीचर कौन सा वर्ड का मीनिंग कौन सा बताते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ मंकी नेम्ड मंकू। देयर वॉज अ मंकी नेम्ड मंकू। मंकी तो पता है आपको, वॉट इज मंकी? बंदर। तो बंदर को, बंदर है एक जो कि उसका नाम था मंकू। मंकू लिव्ड इन अ केव। मंकू लिव्ड इन अ केव। मंकू कहाँ रहता था? केव में। ये इसको बोलते हैं केव, जो कि पहाड़ के अंदर जो एक गुफा होती है उसे केव कहते हैं, या फिर पत्थरों का जो होता है उसके अंदर छोटी सी जगह होती है उसको केव कहते हैं। सो अ लेक वॉज नियर द केव। लेक मीन्स छोटा सा तालाब या पानी जिसको बोलते हैं, छोटा सा पानी रहता है वहाँ पर, मतलब थोड़ा सा घेरा रहता है पानी का, उसको लेक कहते हैं। सो अ लेक वॉज नियर द केव। उसके जो केव था उसके नियर जो है पास में एक लेक था। डक द ड्रेक एंड हिज सिस्टर। और वहाँ पर कौन रहते थे? सिस्टर लकी लिव्ड इन द लेक। सो वहाँ पर एक डकी मीन्स बदक। तो वहाँ पर कौन कौन रहता था? डकीज रहते थे वहाँ पर, बहुत सारे बदक रहते थे। डकी द ड्रेक, ड्रेक है उसका नाम डक का, और एंड हिज सिस्टर उसकी बहन लकी। ओके, लिव्ड इन अ लेक। वो कहाँ रहते थे? लेक में रहते थे। सो जिन एंड जैनी द क्रेन्स। क्रेन्स पता है आपको? क्रेन्स मीन्स बगले। यहाँ पर दिख रही है पिक्चर, सो बगलों को कहते हैं क्रेन्स। लिव्ड नियर द लेक। और जो जिन एंड जैनी हैं, दो एक सॉरी क्रेन्स हैं, बगले हैं, उनका नाम था जिन एंड जैनी। तो वो कहाँ रहते थे? लेक के पास में, है ना। सो ऑल ऑफ देम वेयर मंकूस फ्रेंड्स। दे लव टू प्ले टुगेदर। ये तीनों भी क्या थे? मंकी, डक और क्रेन, ये तीनों भी फ्रेंड्स थे मंकू के, मतलब तीनों भी आपस में एक फ्रेंड्स थे। और वो क्या करते थे? प्ले टुगेदर। प्ले टुगेदर मीन्स साथ में वो प्ले करते थे। प्ले मीन्स खेलते थे। ओके, नेक्स्ट। वन डे मंकू बिकम वेरी हैप्पी। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन क्या हुआ, मंकू बहुत हैप्पी था। हैप्पी मीन्स बहुत खुश था। ओ टुमोरो इज संडे एंड संडे इज माई बर्थडे। ओ मेरा टुमोरो, टुमोरो मीन्स कल, संडे है और संडे को क्या है? मेरा बर्थडे है। डकी लकी जिन एंड जैनी विल कम टू से हैप्पी बर्थडे, थॉट मंकू। वो क्या सोचने लगा? थॉट करने लगा, सोचने लगा कि कल संडे है और संडे को मेरा बर्थडे है। डकी लकी जिन एंड जैनी, जो डक थे और जो क्रेन्स थे उसके जो फ्रेंड थे वो, तो वो उसे बर्थडे विश करेंगे आके, वो ऐसे सोचने लगा। सून इट वॉज संडे। अब क्या हुआ? जल्दी से संडे आ गया।
मंकू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर आवर्स एंड आवर्स. वो आवर्स एंड आवर्स मीन्स बहुत ही, वो घंटे भर घंटे बहुत वेट करने लगा. सो वो बहुत घंटे हो चुके थे, बहुत टाइम हो चुका था, मंकू वेट करते रहा, बहुत इंतज़ार करते रहा, लेकिन उसका जो है कोई भी फ्रेंड वहाँ पर उसको विश करने के लिए नहीं आया. बट नो वन केम, सो ही फेल्ट वेरी सैड. बट नो वन केम, कोई भी नहीं आया उसके पास, और उसको फील कैसा होने लगा, वेरी सैड हो गया. मंकू वेंट टू द लेक बट नो वन वॉज देयर. वो लेक के पास में भी गया और वहाँ पर भी कोई नहीं था. सो सैडली मंकू केम बैक टू हिज केव. और फिर क्या हुआ, सैडली वो केव पे, उसके घर पे वापस से सैड होके आ गया. मंकू वॉज सरप्राइज टू सी द केक ऑन द टेबल. वाओ द केक, सैड मंकू. वो एकदम से सरप्राइज हो गया क्योंकि उसके केव में, उसके घर में एक टेबल पे केक रखा हुआ था और वो सरप्राइज हो गया, एकदम शॉक्ड हो गया. और उसने क्या बोला, वाओ अ केक, सैड मंकू. ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो बी हैप्पी एंड बी सेफ एट योर होम. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट्स.